केन्द्रमंत्री पशुपति कुमार पारस मंत्रिमंडल इस्तफा देते से इस्तफा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पठाई गतकाल बिहार 40 लोकसभा एनडीए मेंट घोषणा होता बीजेपी 17 जनता दल यूनाइटेड 16 जनशक्ति पार्टी को 5 आरएलएम और हाम दल गोटे लेखाएं आसन में प्रार्थी देवा स्थिर करु पशुपति कुमार पारस गोष्ठी को कौन गुरुत्व दि जा नर्शाई से मंत्रिमंडल इस्तफा देते एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी बहुत लगन से वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।